माने यही इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब हम सबको समझे संबंध ज्ञान हो गया ना, संबंध पूर्वाध्याय के साथ इस तरह अब ध्यान में पहले मुख्य का नाम लिया अभयम, निर्भय होके सर्व में भगवत भाव करो और अपनी सर्व भावना से भगवान का भजन करो। पर ये निर्भयता कब आवेगी, जब अंतकरण की शुद्धि होगी, और अंतकरण शुद्धि कब होगी, जब ज्ञान योग व्यवस्थित इसको एक को मत भाव होते हैं, व्याख्यान में इसकी आवश्यकता होगी। इनके अलग अलग लक्षण होते हैं, बात अब आओ आपको ज्ञान योग व्यवस्थित थोड़े साधारण बात काम आपको करना है उसको उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करते चलिए और करते भी चलिए। यदि जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो उस काम को उत्तम रीति से नहीं कर सकेंगे।
देखो रसोई सब बनाते हैं। एक के घर में गया मारा चुल्लोहे की कढ़ाई में, उसने बैगन का साग छौंक दिया। वो क्या हो गया, वो देखने में कोयले जैसा हो गया, काला है। तो उसको पहले बैगन का साग बनाने वाले को पहले जानकारी होनी चाहिए कि किस बर्तन में बनाना, किस में नहीं बनाना। अब केले का साग बना लो तो एक बर्तन भूल गया। अभी थोड़े दिनों की बात है, हम एक के घर में जाते भोजन करने को, भोजन करते हो तो उसके घर की रोटी बहुत नरम होती है और हमारे बनाते हैं रोटी तो उतनी नरम नहीं होती है। मैंने पूछा कि क्या बात है, घी डालते हो? गुजराती लोग तेल डालते हैं, घी डालते हैं, घी डालते हैं, तेल डालते हैं, रोटी नरम कैसे होती है? तो उसने कहा जब आटा गूंथते हैं तब उसमें थोड़ा सा दही मिला करते। अब रोटी बना बिल्कुल जैसे किलोपाल से धुला हुआ कपड़ा और नरम कैसी, जैसी घी। जीव जैसी नरम और बिनों पाल से धुले कपड़े जैसी। तो हम जो काम करते हैं उसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए और करना चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञान योग व्यवस्थित। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, स्वाध्यायात योग आसीत योगात स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। छठे अंक में है श्लोक विष्णु पुराण। स्वाध्याय करके फिर योगस और योगस होने के बाद स्वाध्याय करो, माने जो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय माने पढ़ना मान लो। वैसे स्वाध्याय माने योग दर्शन में जप है, स्वाध्याय माने जप। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, जप करने से इष्ट देवता का दर्शन होता है, उसे मिलना होता है। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, उसमें मन मन लगाने की बात नहीं है, तो गड़बड़ाने की बात है। वो तो जीव से जो जप और स्वाध्याय की क्रिया होती है, उस क्रिया से ही ऐसा एक अदृश्य एक अपूर्व उत्पन्न होता है जो इष्ट देवता को हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देगा। ये तो हुआ कर्म सिद्धांत। और भक्ति सिद्धांत ये है कि बारंबार नाम लेने से और देवता इष्ट देवता प्रसन्न होता है और वो आके हमारी ही आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। तो भक्ति सिद्धांत में और कर्म सिद्धांत में थोड़ा अंतर है। हमारी श्रद्धा और जप के बल से इष्ट देवता मिलता है, ये कर्म सिद्धांत होता है, और वो प्रसन्न होकर के कृपा करके मिलता है, ये भक्ति सिद्धांत होता है। उसका बल है मिलने में कि मेरा बल है मिलने में? तो उसका बल है मिलने में ये भक्ति और मेरा बल है मिलने में ये कर्म। स्वाध्यायात योग मासी कर योगा स्वाध्याय मामने, पहले स्वाध्याय करो फिर योग करो, ध्यान हो जाओ एकाग्र। और एकाग्र चित्त जब हो जाए तब पढ़ो, तो उसका दूसरा ही अर्थ मालूम पड़ेगा। हो कहानी की तरह पढ़ने से दूसरा अर्थ मालूम पड़ता है, और थोड़ा एकाग्र हो करके पढ़ने से उसमें से और रहस्य
शब्द तो देव का है, जब उसका ध्यान करोगे तब वो अर्थ लेगा। स्वाध्याय योग संबंधिया परमात्मा प्रकाशित है। जब स्वाध्याय और योग की संपत्ति अपने जीवन में आती है तब परमात्मा का प्रकाश होता है। स्वाध्याय हमको हमारे गुरु जी ने जब मंत्र दीक्षा दी थी एक श्लोक बताया था, अब वो श्लोक कहाँ का है ये तो हमको मालूम नहीं। जप श्रांतश करे ज्ञानम, ज्ञान श्रांतश चरे जपम, जप दिहार परिश्रांत आत्मतत्व विचारे। जप करते करते जब थकान मालूम पड़े तो जब बंद करके ध्यानस्थ हो जाना चाहिए, और जब ध्यान में मन न लगे तो जप करना चाहिए, और जब ध्यान दोनों में मन न लगे तो विचार करना चाहिए। विचार कर्तव्य तो पूर्वक ही होता है, उससे ज्यादा विज्ञानम यज्ञम तंत्र है। कर्तव्य तो प्रधान विज्ञान में कोष है, वहां विचार की स्थिति है। जप ध्यान परिश्रांत आत्मतत्व विचार है, तो ध्यान और पद्म पुराण में एक अध्याय है, द्वितीय खंड में है बहुत करके, पद्म पुराण में खंड ही खंड है। द्वितीय खंड में एक अध्याय है पूरा, जिसमें ज्ञान और ध्यान इन दोनों की जोड़ी का वर्णन है, और योग शब्द का हमने ध्यान ले लिया। वैसे योग शब्द का अर्थ समता तो है ही है, सुख दुख की समता, आत्मों में समम पश्यति अर्जुनम सुखम वाजिवा दुखम, योग तो है समत्वम योग उच्यते, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यदि चित्त में समता नहीं रहेगी तो योग नहीं होगा। इसको छोड़ के उस पर गए, उस पर छोड़ के उस पर गए, या वहां से छोड़ के यहां गिरे और यहां से गिरे तो और नीचे गिरे, ये गिरना और उठना क्यों होता है? विषमता के कारण हो। एक ने कहा कि स्वामी जी आपका पुराना फोटो मेरे पास है, अब उसको बदल लेते हैं, नया फोटो है। अरे भाई वो तो जवान का है, ये बुढ़े का, अब इसमें तुम्हारा क्या है? कहने का मतलब ये है कि बदलना परिवर्तन तब होता है जब मन में विषमता होती है। जहां समता होती है वहां मन में परिवर्तन नहीं होता, और जब तक परिवर्तन होता रहेगा तब तक योग कहां? योग तो तब होगा जब जीवन में समता आ जाएगी। अब आओ, ज्ञान योग समता जो है वो जीवन में माने यहां तक चाहिए कि ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा है और एक सेवक दास झाड़ू लगा रहा है, तो वेद पाठी ब्राह्मण को ये नहीं समझना चाहिए कि हम उत्तम कर रहे हैं और ये सेवक जो झाड़ू लगा रहा है ये निकृष्ट कर रहा है, और सेवक को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो काम कर रहा हूं और ये निकम्मा ब्राह्मण बकबक कर रहा है। ये सब अपने अपने कर्म में स्वे स्वे कर्म जब रहता संसिधि लभते नरा,
अपना जो कर्तव्य कर्म है वही सर्वोत्तम है। तो समता आए बिना आपकी कर्म में निष्ठा नहीं होगी, धर्म में निष्ठा नहीं होगी, ज्ञान में निष्ठा नहीं होगी। जो कुछ है सो यही है भाई, भीतर ही है। हम समझते थे जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो गुड़ ज्यादा खाता है। कितनी बेवकूफी की बात, गुड़ तो हम भी खाते थे पेट भर और वो भी खाता था। शरीर ढकने के लिए कपड़े सब पहनते हैं, एक शान पड़ती है वो बात दूसरी है। 3.5 हाथ के पलंग पर ही सोते हैं, चाहे मकान जितना बड़ा हो, सो जाने पर कुछ पता चलता नहीं है। तो ये जो विषमता है, अरे भाई जवान है तो पति की प्यारी है और बुढ़िया हुई तो बच्चे की प्यारी है, उसमें विषमता की क्या बात है? बच्चे हैं तो माँ बाप की प्यारे, तो प्यार तो सब जगह आपको मिलेगा, बचपन में भी मिलेगा, जवानी में भी मिलेगा, बुढ़ापे में भी मिलेगा। आप किसी को छोटा बड़ा क्यों समझते हैं? ये तो सब भगवान का रूप है। तो यही बताइए जितना सर्गो जय शाम साम्य स्थित मना, यही योग है कि अपने चित्त में ये जो उथल पुथल मची रहती है ये ना मचे। एक श्रीमती ने मुझसे कहा तो वैसे तो महाराज मैं पतिव्रता हूं, बहुत बड़ी बात, वैसे तो मैं पतिव्रता हूं परंतु जब सुंदर पुरुष को देखती हूं तो मेरे मन में संकल्प उठने लगते हैं। अब सुंदर असुंदर क्या होता है पुरुष में, ये तो आंखों का दोष है। क्या निग्रो लोग सुंदर नहीं होते? क्या आलसी सुंदर नहीं होते? क्या जिंदगी लोग सुंदर नहीं होते? उनकी पत्नियों से पूछो तब पता लगेगा, वो भी सुंदर होता है। तुम्हारे मन में एक सुंदरता की मान्यता फंस गई है। तो योग का अर्थ होता है सुहृद मित्रार्जुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु स्वपिच पापेश। साधु स्वपिच पापेश, इसे पढ़ते हो क्या और क्या बोला जा सकता है? साधु और पापी दोनों में जिसकी बुद्धि समय है वो विशिष्ट पुरुष है, विशिष्ट है। वो केवल शिष्ट नहीं है, विशिष्ट है, विशिष्ट है। न द्वेष्ट कुशल कर्म कुशले नान सज्जते, और क्या चाहते है? कहीं दुनिया के किसी बाजार में नहीं है। गीता को जो लोग मजहबी किताब मानते हैं वो मूर्ख, गीता मजहबी किताब नहीं है, वो सब मजहब वालों के लिए। तो ये जो है योग, ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञाने व्यवस्थित योगे च व्यवस्थित। ज्ञान में भी आप व्यवस्थित रहे, ज्ञान में दृढ़ता रहे और योग में कर्म में भी दृढ़ता रहे। असल में ज्ञान और कर्म का कोई विरोध है ही नहीं, पहली बात यह है। तो भाई शंकराचार्य ने तो ज्ञान और कर्म का बहुत विरोध बताया है, कर नहीं वो तो व्यावहारिक ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं मानते हैं शंकराचार्य। केवल आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप ज्ञान, ब्रह्मात्मी के बोध रूप ज्ञान, वहां कर्म का केवल एक क्षण के लिए कर्म का विरोध मानते हैं, उस ब्रह्मात्मी के बोध क्षण के पूर्व क्षण में ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं है।
वेदांति लोग जो ज्ञान कर्म का विरोध बताते रहते हैं उनको ये बात थोड़ा बताएंगे। वो प्रमाण जन्य ज्ञान है, वो कर्म जन्य नहीं है, वो उपासना जन्य नहीं है, वो योग जन्य नहीं है, वो अपौरुषेय वेद महावाक्य के महावाक्य रूप प्रमाण के द्वारा जो चरित ज्ञान है। क्योंकि कर्म उपासना और योग किसी मत में सीता किसी भी मत में प्रमाण रूप से स्वीकार नहीं है। कर्म कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष है, जन्मान है, उपमान है, शब्द है, संभव है, कौन सा प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है कर्म? तो प्रमेय के साक्षात्कार में प्रमाण हेतु होता है। तो कर्म का काम है अंतःकरण को शुद्ध करना। ये बात मैं विस्तार से अभी तो केवल उद्देश्य तो देखो ज्ञान कई पहले देखो ज्ञान की चर्चा करो। जानाति इच्छति करोति, पहले हम किसी चीज को जानते तब उसको पाने की या छोड़ने की इच्छा होती है, और पाने की या छोड़ने की इच्छा पूरी करने के लिए हम कर्म करते हैं। ये क्रम है, पहले किसी को अच्छा समझेंगे, पाने की इच्छा करेंगे, फिर पाने के लिए प्रयास करेंगे, किसी चीज को बुरा समझेंगे, उसको छोड़ने की इच्छा करेंगे और छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हुई मनोवैज्ञानिक परिस्थिति, जाना भी इच्छति। तो जिस सुख दुख को आप अच्छा समझेंगे उसको पाने छोड़ने का प्रयास करेंगे, जिस कर्म को अच्छा बुरा समझेंगे उसको पाने छोड़ने का प्रयास करेंगे, जिस वस्तु को अच्छी बुरी समझेंगे पाने छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अच्छा बुरा हम समझते हैं वो दृश्य को समझते हैं कि दृष्टा को समझते हैं? दृश्य में ही तो अच्छे बुरे का भेद होगा ना भाई। अच्छे बुरे का भेद जो साक्षी मात्र व्यक्ति मात्र जो ज्ञान है उसमें अच्छाई और बुराई का भेद कहां से आवेगा? तो विषय में ही अच्छे बुरे का भेद होगा, इसलिए विषय को जब हम जानते हैं उसको पाने या छोड़ने की इच्छा करते हैं और प्रयास करते हैं, तो अन्य विषय जो ज्ञान होता है वो प्राप्ति और परिहार की इच्छा का हेतु होता है, और स्व विषय जो ज्ञान होता है अपने आत्मा को जानना साक्षी रूप से नहीं अद्वितीय ब्रह्म रूप से। साक्षी तो बेचारा एक कोने में रहता है, वो तो जब जोग करते 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 जब निरोध की गुहा में जाके बैठते हैं चार ओर से बिल्कुल पक्का निरोध हो गया, ऐसी दीवार बनाई कि भीतर कोई घुस न सके और हम भी निकल न सके, दोनों बात है। न तो निरोध दशा में साक्षी जो है वो वृत्ति सारूप्य को प्राप्त होता है और न तो निरोध दशा में वृत्ति का उत्थान होता है, तो न तो कोई विषय वहां जा सके और न तो हम वहां से निकल सके। वहां जाके हम क्या हुए? तदा दृष्टो स्वरूप स्थानम, अपने स्वरूप में बैठ गए। वेदांतियों को ये ज्ञान अभिष्ट नहीं है, वो तो कहते हैं महाराज जक्षान क्रीडंतम स्त्री विरवा जाने वेवा नोपजनम स्मरण निधम शरीरम,
वो गुफा वाला जो ज्ञान है ना, गुफा वाला, वो वेदांतियों का ज्ञान नहीं, वो तो अद्वितीय है। अधिष्ठान को अध्यस्त में प्रवेश करने में कोई क्रिया करनी पड़ती है कि कोई भय लगता है कि कोई बन जाना होता है? वो तो समग्र जो अध्यस्त है वो अधिष्ठान के अतिरिक्त तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। इसलिए जो अपने स्वरूप का ज्ञान है वो ज्ञान न इच्छा का हेतु है और न तो कर्म का हेतु है और न तो प्रवर्तक है वो। प्रवर्तक ज्ञान नहीं है। अच्छा निवर्तक हो का नहीं, निवर्तक नहीं। न ये कहीं से लौटाता है न कहीं फिरता है, अपने स्वरूप की अद्वितीयता का वो। तो ज्ञान और कर्म का विरोध नहीं है, ये बात एक बार फिर से ध्यान। देह वाक बुद्धि अस्त्यक्ता ज्ञानिना मृत बुद्धितः कर्मी प्रवर्तयत्वाभिर् कर्मी प्रवर्तयत्वाभिर् ज्ञानिनो हीयते त्रज्ञम्। जिस देह वाणी और बुद्धि को अमृत समझ करके, अध्यस्त समझ करके ज्ञानी ने छोड़ दिया है, यदि कर्मी उससे व्यवहार करता है तो इसमें ज्ञानी की क्या हानि है? और जम कर्मी न जानाति साक्षिणम तस्य तत्त्ववित् आत्मत्वं बुद्धताम तेना कर्मणो नियते त्रज्ञम्। कर्मी जिस साक्षी को जानते ही उसको यदि तत्व के अपना आत्मा कहता है तो इसमें कर्मी की क्या हानि है? जिस चीज को तुम नहीं जानते हो, जिस धरती के बारे में तुम्हारा ज्ञान ही नहीं है, उसको हम कह रहे हैं हमारा, उसको क्या महर्षि महेश कह रहे हैं। महर्षि महेश हमसे बोल रहे थे, तुम्हारे पास कभी कभी आ जाए तो बोले कि महाराज जहाँ के लोग जानते ही नहीं है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, उपासना क्या है, धर्म क्या है, वहां जाके पड़ती पड़ी हुई भूमि पर हम कब्जा कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान? ऐसे बोल रहे थे। वहां के लोग तो कुछ जानते ही नहीं। बोले शरीर ढीला छोड़ दो, कुछ सोचो मत, शरीर जरा विश्राम मिला शरीर को, अब उनको जो चिंता लगी थी जो उसमें था वो थोड़ी देर के लिए मिल गया। हमारा तुम्हारा सही कहा, कर्म और ज्ञान का कोई विरोध नहीं है और ज्ञान तो अपना स्वरूप है। पर आओ ज्ञान की थोड़ी चर्चा करें। ज्ञान के बारे में लोगों ने अब फिर कोई कह देगा कि समझ में नहीं आता है भाई, तो क्या करें? नहीं समझ में आता है समझो। इसमें ज्ञान का दोष नहीं है, समझ का दोष। चारवाक लोग ज्ञान को कोई तत्व नहीं मानते, कोई द्रव्य नहीं मानते। वे ऐसा मानते हैं चार दुखों के वहां भी जीव तक तन्मात्राएं हैं। ये तो खंडन करने वालों ने वहां चार तत्व को, चार तत्व के परमाणु हैं वहां, वो इतने मूर्ख नहीं है कि स्थूल द्रव्य को अनादि और अनंत माने। बहुत समझदार। तो परमाणु रूप से जो चार भूत हैं उनके मिश्रण की ये विशेषता है कि कुमारी के समान, नशा के समान चेतना उत्पन्न हो जाती है। एकाग्र दशा में हमको इसका प्रत्यक्ष हुआ है तो उनके यहां तो ज्ञान जो है वो चार रूपों का कार्य
कार्य नहीं, उनकी कुमारी है, नशा है, पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। माने द्रव्य ही मुख्य है, ज्ञान मुख्य नहीं है। बौद्ध लोग कहते हैं ज्ञान छाने का है, माने काल में पैदा होता मिलता है, उनके यहाँ काल मुक्त हो गया, विज्ञानवादी के लिए काल मुक्त हो गया और विज्ञान जो है वो गौण हो गया, और शून्यवादी के लिए न काल है, न देश है, न विज्ञान है, फिर क्षणता का प्रश्न है। जैन लोग ज्ञान को देश में फैलने वाला और सिमटने वाला नाम करते हैं, तो वहां देश प्रधान हो गया, जिस देश में ज्ञान फैलता है और सिमटता है वो ज्ञान का आश्रय हो गया। बौद्ध मत में ज्ञान का आश्रय हुआ काल, चार्वाक मत में ज्ञान का आश्रय हुआ द्रव्य, और जैन मत में ज्ञान का आश्रय हुआ देश। तब वो ज्ञान का अत्यंत भाव नहीं मान सकते, जैन मत में ज्ञान का अत्यंत भाव नहीं है और बौद्ध में है। अच्छा, अभी हमारे न्याय वैशेषिक वालों ने क्या कहा कि ज्ञान का आश्रय न द्रव्य है, न काल है, न देश है, ज्ञान का आश्रय आत्मा है। ये हमारे न्याय वैशेषिक मत है। उसमें भी महाराज वेदांति लोग तो बहुत हंसी उड़ाते हैं, उनकी इनका आत्मा को जड़ है और ज्ञान इसका गुण है, वेदांति लोगों ने बहुत खराब किया। वो तो गुण क्रिया स्वयं द्रव्यम यदि मूढ़ प्रधारणा मूढ़ बोलते हैं। अब उसमें भी बड़ा ज्ञान छोटा ज्ञान, तो जो बड़े ज्ञान का आश्रय है वो परमात्मा है, जो छोटे ज्ञान का आश्रय है वो आत्मा है, जीव है। परंतु आश्रयाश्रय भाव होने से ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं हुआ, वो तो उदय विलय होने वाले आने जाने वाले ज्ञान को ही, जिनको वेदांति लोग जिसको कृत्य ज्ञान बोलते हैं उसी को ज्ञान मानते हैं, तो फिर उसका आश्रय भी हमारे ज्ञान अपना स्वरूप नहीं हुआ, अनात्मा हुआ। इसमें मैंने नारायण ज्ञान जो है, ज्ञान इच्छा प्रयत्न सुख दुख दान आदर, ये सब गुण हुए आत्मा के गुण हुए। चलो भाई, बस हमारे योग और शांत वालों ने इन सब को एक तरफ रख दिया। ये सब विचार भी पक्षा है, वो कहते हैं कि ज्ञान गुण नहीं है, धर्म धर्मी का भेद वैष्णव लोगों ने माना है, एक धर्म ज्ञान और एक धर्म ज्ञान, परंतु ज्ञान में धर्म धर्मी का भेद नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप साक्षी है, दृढ़ मात्र है, विश्वतत्व है। ये आगे एक कदम आगे बढ़ गए, लेकिन इससे ज्ञान की अद्वितीयता जो है वो नहीं हुई। एक ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य है दृश्य है, और एक प्रकाशक ज्ञान है, और सो भी निरोध दशा में वो कैवल्य रहता है, केवल रहता है, और नारायण व्यवहार दशा में वो वृत्ति सारूप्य को प्राप्त हो जाता है। अब वेदांति आए महाराज, वेदांतियों ने कहा कि नहीं नहीं, ज्ञान अतिरिक्त और कोई वस्तु भी नहीं है, ये जो मालूम पड़ते हैं ये भ्रम है, और इस भ्रम को विष्णु पुराण में बताया ज्ञान स्वरूप व्यवहार। ये आत्मदेव जो है ये केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थस्वरूपम पश्यंतो भ्राम्यंती, जो अर्थस्वरूप देखते हैं वो तो भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्राम्यंती का अर्थ सीधा ही है,
कि वो कभी अर्थ में जाएंगे, कभी स्वरूप में आवेंगे, भटकना उनका बंद नहीं हो जाएगा। कभी घट में जाएंगे, कभी पट में जाएंगे, कभी मठ में जाएंगे, और जहाँ घट पट मठ सब ज्ञान विवर्त ही है, वहाँ तो हम जहाँ जाए जहाँ रहे जैसे रहे जो देखें जो सुने सर्वावस्थित रस्य वस्तु विषया बोल दिया, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया। परंतु ये जो अद्वितीयता का ज्ञान है, इसके लिए एक मर्यादा है, एक प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया ये है कि विचार करो और एकाग्रता करो, अंतकरण शुद्ध है। तो जैसे ये गुरु बताते जुगनू जैसे बरसात में कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, आत्मा का स्वरूप क्या है? जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो चमक जाएगा, और जब अंतःकरण मलिन हो जाएगा तो नहीं चमकेगा। चित चित कभी चमचमाचम और कभी चुप। तो अंतःकरण शुद्धि और अशुद्धि, मीमांसा ने कहा कि शास्त्रों के कर्म का अनुष्ठान करो, अनुशासन में आ जाओ, मनमाना काम करोगे तो फंसोगे, मनमाने रास्ते चलोगे भूल जाओगे, और बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो अपनी जगह पर पहुंच जाओगे। अब तुम देख लो अपने मन से सोच लेते हो ये बहुत बढ़िया, महाराज बढ़िया भोजन आता है खा लेते हैं, फिर वायु बढ़ गई और फिर दवा खाओ और डॉक्टर बताओ, और जरूर जब अनुशिष्ट रहेंगे ना, भोजन अनुशिष्ट रहेगा तो न गैस बढ़ेगी, मनमाना रास्ते से चले, कई बार महाराज ऐसे भूले ऐसे भूले, आपको क्या बताना। चित्रकूट में गया कामतगिरी की परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद देखा तो वहां से दिख रहा था कि वो चित्रकूट दिख रहा है, और ऊपर से दिख रहा था, तो हमने सोचा सड़क पर जाओ और फिर सीधे रास्ते जाओ, तो ये दिख रहा है हम पहुंचे, और महाराज उतर गए नीचे, और नीचे उतर गए तो जब खड्ड में गए ना नाले में चले गए तो वहां से तो चित्रकूट दिखते ही नहीं था। अब हो गया दिग्भ्रम, दिग्भ्रम हो गया, जब जाने लगे एक और तो एक मिला जंगली आदिवासी, वो तो हमारी बोली भी नहीं समझे, उसकी भी हम नहीं समझे, उसने क्या तो गड़बड़ गड़बड़ बोल दिया और बोल के हाथ से बताया। चेष्टा प्रमाण, इसका नाम चेष्टा प्रमाण होता है, ये नाम के शास्त्र में स्वीकार है, अभिनय का दर्शन अभिनय करके दिखाए, ये पढ़ाते समय भी गुरु जी दोनों हाथ से भी बतावे, एक हाथ से भी बतावे, दो उंगली दिखा के बतावे, ऐसे अभिनय करके पढ़ाने का विधान है होता, गुरु जी पढ़ावे तो कैसे कैसे पढ़ावे, चेले की आंख से हाथ मिला के पढ़ावे, मुस्करा के पढ़ावे, दोनों हाथ दो उंगली दिखा के बतावे, एक उंगली से बतावे, चेष्टा के द्वारा अर्थ ज्ञापन जो है, अर्थबोधन चेष्टा के द्वारा अर्थबोधन, ये नाट्य शास्त्र में प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, ये नवम प्रमाण बोलते हैं इसको। पुराण पौराणिकों का अष्टम प्रमाण है संभव, और ऐतिहासिकों का ऐतिहासिक जो प्रमाण है सप्तम, और छह प्रमाण तो हमारे कुमारी भट्ट के प्रसिद्ध नहीं है, और पांच प्रमाण मानते हैं मुरारी गुरु मुरारी क्षत्रिय संस्थान, और हमारे कुमार भट्टकार के जो प्रमाण का निश्चय है वही शंकराचार्य को मानते हैं, फिर इसमें कोई चार मानते हैं, कोई तीन मानते हैं, कोई दो मानते हैं, और सांख्यवादी नहीं प्रमाण मानते हैं, न्याय वैदिक चार प्रमाण मानते हैं, जैन बौद्ध दो ही प्रमाण मानते हैं, और चार बार एक ही प्रमाण मानता। अब देखो आप ये सुनाते हैं
कि ज्ञान योग व्यवस्थित में आप अपने जीवन को बिल्कुल अनुशिष्ट बनाओ, अनजाने मार्ग से चलोगे, अनजाने मार्ग से चलोगे तो भटक जाओगे। रास्ता बताने वाला चाहिए, आपके जीवन में पथ प्रदर्शक क्यों नहीं है कि आप इतने बुद्धिमान, इतने जानकार, इतने ज्ञानी हैं कि आपने संसार के कण कण को नाप लिया है, क्षण क्षण को नाप लिया है, इंच इंच को नाप लिया है, चप्पे चप्पे को नाप 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 लिया है। क्यों क्यों आप अपने से बुद्धिमान किसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? आपका अभिमान बड़ा भारी है। आपका कोई मददगार क्यों नहीं है? आपका किसी पर विश्वास नहीं है? आपका कोई देशी दुनिया में नहीं? असहाय होकर चल रहे हो? न तो आपका अभिमान टूटता है और न तो अंधकार दूर होता है। असहाय दीनहीन दुनिया में भटक रहे हो क्यों? ज्ञान और ज्ञान के अनुसार योग भी चाहिए। योग माने जो जाने उसके अनुसार चले। ये देखो स्वर्ग की बात हम ये नहीं कहते हैं कि स्वर्ग है कि नहीं, हम ये कहते हैं कि यदि एक बार स्वर्ग पर पूरा विश्वास करके और तुम उसकी प्राप्ति के लिए जो धर्म है सत्कर्म है करोगे तो तुम्हारा जीवन कितना मर्यादित कितना नियमित हो जाएगा। दृष्ट लाभ है ना, स्वर्ग भले अदृष्ट होवे लेकिन उसको मान करके जो धर्म पूर्ण किया जाएगा वो तो दृष्ट जीवन का निर्माण करेगा ना। परोक्ष में प्रीति होने से प्रत्यक्ष में जो आसक्ति है वो मिट जाएगी। प्रत्यक्ष में आसक्ति मिट जाएगी तो दुराचार मिट जाएंगे जीवन से। तो अपने जीवन में ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के अनुसार आचरण होना चाहिए और वो भी व्यवस्था पूर्वक कर लो। व्यवस्था पूर्वक कर लो ज्ञान के लिए प्रयास का एक समय रखो जीवन में और योग के लिए प्रयास का एक समय रखो जीवन में। समय पर ध्यान करो। एक लड़के ने पूछा, महाराज संध्या करने संध्या वंदन करने से क्या लाभ है? संध्या तो अपने आप ही होती है, रोज सायंकाल होता ही है, अब हम क्या करेंगे? अरे भाई उस समय तुम करते क्या हो जब संध्या करने का समय होता है? उससे पर तुम करते क्या हो? तो बोले महाराज क्लब में जाते हैं और ताश खेलते हैं। जब अब ताश खेलने से भी क्लब में जाने से भी गया बीता है संध्या वंदन, अच्छा बताओ उससे फायदा क्या है? फायदा क्या है? अच्छा तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया बिना लोग के, बिना लाभ के, बिना फायदा के तुम 5 मिनट बैठ नहीं सकते। 5 मिनट भगवान के नाम पर अगर तुम्हारा खराब जाए, भगवान के नाम पर 5 मिनट खराब जाए तो दिन भर में कितने मिनट होता है? 1440 सीताराम 1440 मिनट में से 5 मिनट यदि ईश्वर के नाम पर तुम्हारे बिगड़ गए तो तुम्हारे जीवन का क्या बिगड़ गया? अरे थोड़ी देर तक की आदत डालो भाई कि कोई फायदा न होने पर भी, कोई सांसारिक लाभ न होने पर भी हम अपने अंतकरण को निष्काम बनाने के लिए 5 मिनट का अभ्यास कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है। वैसे तो ईश्वर तुमको कभी मिलेगा,
यदि ये लोग निष्क्रोध निष्काम यदि जीवन थोड़ी देर व्यतीत नहीं करोगे तो ईश्वर मिलने की तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन मान लो मिल जाए तो क्या मुंह दिखाओगे उसको? क्या महाराज आपके नाम पर हमने 5 मिनट भी नहीं किया, यही कहो? और मान लो ना मिले, ना होए तो तुम्हारा क्या गया? 5 ही मिनट हो गया। तो भाई योग का अभ्यास जो है, योग सब तरह का होता है, कर्म योग होता है, आप तो जानते हैं, तपस्वी योग को योगी, ज्ञानी योगी बनोगे, कर्मी कृष्णादि को योगी, तत्वाद योगी भवार्जुन, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान वदते तो माम समय युक्ततमो मतः। ये युक्ततम की भी एक व्याख्या है, गीता में युक्त युक्तता युक्ततम तीनों की अलग अलग व्याख्या है। समय युक्ततमो मतः, सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े योगी कब हुए? जब आपका अंतकरण परमात्मा के साथ एक हो गया। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज हमारा अंतकरण परमात्मा के साथ एक हो गया, ये कैसे मालूम है? बता रहे बिल्कुल है देहाती बात, मारवाड़ी बात, जो थारी लाए थे हमारी लाए सलाम सलाम माने, जो भगवान कर रहा है और जो हो रहा है, जो कर रहा है, उसमें कहीं अपना मतभेद न हो। समाधि में बैठ के मद्गते नान्तरात्मना नहीं, व्यवहार में बैठ के मद्गते नान्तरात्मना, जो सारी लाइन तुम्हारी लाइन नाव विच्छेद हो गया, पानी भरने लगा, मल्लाहों ने कहा पानी निकालो निकालो निकालो, महात्मा ने कमंडलों में पानी भरा, नदी में से एक कमंडल और का खेत बंद हुआ, मल्लाह पानी निकालने लगे, तो महात्मा ने फिर नाव में से एक कमंडल निकाल के बना, जब परमात्मा ने नाव में छेद किया, नहीं भरा तो हमने भी भरा, जब उसने निकाला तो हमने भी निकाला। मरगते नाम से रात्मना का अर्थ ये नहीं कि आँख बंद करेंगे और पीठ रीठ पीठ रीठ सीधी करेंगे और सब मरगते नाम से रात्मना होगा, अपने मन को उसके मन के साथ मिला, जो परमात्मा का संकल्प है वही राजी हैं हम, उसी में जिसमें तेरी रजा है। एक बार पंडित सुंदरलाल जी ने हरि बाबा जी को पिछले लिखी कि आपके पास के आस पास के लोग बड़े चोर हैं, बड़े डाकू हैं, आप चलो मिशनरी स्प्रिट भरो अपने अंदर, तो प्रचार करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोले कि देखो पंडित जी, सब उसके सामने ही तो हो रहा है, वो तो देख रहा है, वो टुकुर टुकुर देख रहा है और मजा ले रहा है और मजा नहीं है, तो हमको उपद्रव करने की क्या जरूरत है? उसको पसंद नहीं आ रहा, मना कर रहे। ये प्रचार का फंड दूसरा है और दूतों का फंड दूसरा है, फकीरी फकीरी धन दूसरा है। आओ, आप जरा इसकी ये तीन बात जो बताई जा भैया, कस्मात यतः सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि कस्मात यतः ज्ञान योग व्यवस्थित, एतत् त्रय कस्मात, ये तीनों कैसे हो? उलट भी सकते हैं,
अभयम अतएव सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि अतएव ज्ञान योग व्यवस्थित हेतु हेतु मत भाव जो है ना, यथेष्टम हेतु हेतु मत भाव, जैसे चाहो वैसे जोड़ो। हमें तो बढ़िया मतलब अर्थ बढ़िया निकलना चाहिए। यदि उसमें मत लव लव मात्र मत यदि श्रेष्ठ है तो उसको ग्रहण करने में हमको क्या आपत्ति है, टीका टिप्पणी से क्या ये जीवन में कैसे हमें दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्गवम दानं तमश्च यज्ञश्च। दान की बात कर रहे हैं पर आप लोग डरना नहीं, मांगे नहीं आप।